तो दोस्तों अगर आपने अपने डिवाइस में वाईफाई को कनेक्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज को ओपन करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी ओपन कर रहे हैं, आपका वाईफाई अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है तो कैसे आप यहाँ पे वाईफाई को ठीक कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई यहाँ पे नहीं चल रहा है और मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको वाईफाई वाले ऑप्शन में जाना है और वाईफाई वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा वाईफाई कनेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कनेक्ट टू डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, इस प्रकार का प्रॉब्लम मिल जाएगा या आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट रहेगा, वाईफाई का स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, जो वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एक आपको एरो देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में नीचे में आपको जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईपी सेटिंग का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको स्टेटस वाली ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आईपी एड्रेस रोटर और प्रॉक्सी लेंथ देखने को मिलेगा, ये आपका यहाँ पे फिलअप किया रहेगा। देन उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको जाना है, डीएनएस 1 का ऑप्शन देखने मिलेगा। देन आपको यहाँ पे डीएनएस 2 का ऑप्शन देखने मिलेगा। डीएनएस 2 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस ओवर रिटन बाय प्राइवेट डीएनएस, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके प्राइवेट डीएनएस में कोई यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है या कंपनी के द्वारा जो आपको प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइड किया गया है अगर वो सही से नहीं चल रहा है तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको आईपी एड्रेस देखने मिला इसको आपको फिलअप करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको लिख लेना है 8.8.4.4, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। और ये लिखने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना, ऊपर में आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन अब आपका यहाँ पे हट जाएगा। देन अब आपको यहाँ पे दूसरा सेटिंग करना है, इसके लिए आप क्या करें, सिंपली यहाँ से बैक हो जाए और बैक होने के बाद आपको जाना है कनेक्टेड एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन में, इस पर आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पे ऑटो पे सेट किया तो सिंपली क्या करना, इसको आपको यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करना है, देन सेव पे क्लिक कर देना है और आपने वहां पे प्राइवेट डीएनएस जो सेट किया था वो आपका यहां पे वहीं पे सेट किया हुआ रहेगा। देन उसके बाद आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको यहां पे देख लेना है कि आपका यहां पे वाईफाई ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। अगर वाईफाई ठीक नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या कंप्लीट कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पे देख सकते हैं मेरा वाईफाई यहां पे ठीक हो चुका है। अब उसके बाद आपको यहां पे सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, इसके लिए आप क्या करें, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप अबाउट फोन में जाए। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाना है और आपको देख लेना है कि इंटरनल स्टोरेज कहां पे शो हो रहा है, वहां पे आपको 7 से 8 बार टैप करना है। टैप करने बाद वाईफाई इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने बाद वाईफाई स्टेटस में जाना है और जाने के बाद अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले तो आपको रिफ्रेश स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है। देन उसके बाद रन पिन टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको रन पिन टेस्ट कर लेना है। अगर ये कर लीजिएगा तो वाईफाई का अगर स्पीड नहीं मिल रहा है, कुछ एप्लीकेशन में वाईफाई नहीं चल रहा है तो आपको स्पीड भी अच्छा खासा यहां पर देखने मिलेगा। तो ये ऑप्शन को आपको यहां पे इनेबल कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देखिएगा वाईफाई का स्पीड भी आपको यहां पे इंप्रूव देखने को मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो देन आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है, इसके लिए आप सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्शन शेयरिंग का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखें तो आपको रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने रिसेट सेटिंग में जाना है, रिसेट सेटिंग में जाने जो भी आपने पासवर्ड डाला है उस पासवर्ड को आपको यहां पर फिलअप कर लेना है। तो पासवर्ड फिलअप करने बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने में यहाँ पे 1 2 रिसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो जो भी वाईफाई में अगर कोई ग्लिच आ गया है, मोबाइल डाटा में ग्लिच आ गया है, तो वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, दोबारा आपको यहाँ पे पासवर्ड को डालना है और उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो भी इशू आ रहा था वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये 3 सेटिंग से आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं।